टॉपर्स एकेडमी। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, एसआई भर्ती में गड़बड़ी के मिले सबूत, परीक्षा रद्द करने की तैयारी। यानी कि यहाँ पे जो है आपकी जो एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च को, ठीक है, वो अब यहाँ पे रद्द होने वाला है, यानी कि वो स्क्रैप होने वाला है। जॉन स्मिथी ने पहले 100 स्थान हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया, ज़्यादातर नहीं दे पाए सही जवाब। मतलब कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स थे उनको बुलाया गया था, ठीक है, जो कमेटी थी, कमेटी ने टॉप 100 जो स्टूडेंट्स आए थे उनको बुलाया गया, और ज़्यादातर नहीं दे पाए थे सही जवाब, नहीं दे पाए थे ज़्यादातर जो बच्चे थे उसमें से, जो टॉपर्स थे वो सही जवाब नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर के जितने भी बाकी बच्चे हैं, 90,000 के आसपास बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, 97,000 बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, उन सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि दोबारा आपको फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, ताकि आप दोबारा एक बार एग्ज़ाम दे पाओ अपना, और अपने परीक्षा में बिना किसी ये जैसे कि ये धांधली हुई है, जो स्कैम हुआ है, ठीक है, जो स्कैम से बच के बिना अपने मेहनत से, लगन से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू से ये न्यूज़ आई है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि पुलिस में जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप की जांच कर रही समिति के हाथों गड़बड़ी के कुछ सबूत लगे हैं, इस आधार पर अब भर्ती परीक्षा रद्द करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन जल्द ही, ठीक है, बड़ा निर्णय लेगा, इसके लिए कानूनी सलाह भी ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच समिति ने लिखित परीक्षा में पहले 100 स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों में 50-60 को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इनमें ज़्यादातर अभ्यर्थी सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। इस धांधली में अर्धसैनिक बलों से जुड़े एक रिटायर्ड अफसर, एक नेता की सुरक्षा में लगे कर्मी का नाम सामने आया है, दोनों भूमिगत हैं। ठीक है, भर्ती परीक्षा कराने वाली एजेंसी की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ठीक है, सरकार से जुड़े उच्च पदाधिकारी सूत्रों ने बताया कि जांच समिति ने विभिन्न पहलुओं पर जांच की है, भर्ती की परीक्षा का रिकॉर्ड खंगालते के साथ ही परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे मतलब पूछताछ की गई है। ठीक है, एक ही परिवार के दो या अधिक लोगों को जो है जैसे सिलेक्शन हुई थी, एक ही परिवार के दो या दो से ज़्यादा लोगों को, तो उनकी भी पूछताछ की गई है, लेकिन सारे जो कैंडिडेट्स हैं पूरे करेक्ट आंसर नहीं बता पाए हैं। तो इन्होंने यही बताया गया कि सूत्रों ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूछताछ की गई है जिनसे, उनमें से ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाए। परीक्षा की प्रश्न पत्र लीक होने की भी आशंका कि पेपर आपका लीक हो गया था JKPSI का। ठीक है, अभ्यर्थियों से पेपर के बदले पैसे लिए गए, मतलब पेपर खरीदा है जैसे। ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर बता रहा है इधर। ठीक है, तो इससे पहले पुलिस महकमा को ये भर्ती कराए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों की मतलब जांच होनी चाहिए। जांच समिति की जो है यहाँ पे सिफारिश पर प्रशासन पूरे मामले की जांच किसी एजेंसी को सौंप सकता है, ताकि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों का सामने लाया जा सके। ठीक है, जो भी ज़िम्मेदार होंगे इसमें, तो जांच एजेंसी को विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करने के और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा, और जो भी इसमें जैसे होंगे। ठीक है, ये देखो ऊपर भी बोला है, AS भर्ती पर सवाल, एक ही लाइब्रेरी में तैयार करने वाली 60 अभ्यर्थी, एक ही लाइब्रेरी से 60 निकले हैं, 60 SI JKPSI का एग्ज़ाम जिन्होंने क्रैक किया, टॉप किया। अमर उजाला के न्यूज़ में आया था ये, 8 जून को प्रकाशित खबर है ये। ठीक है, और परिणाम घोषित होते हुए उठे सवाल। देखिए, अब 27 मार्च को जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, 1200 उस पर जो वैकेंसी थी, ठीक है, उसकी भर्ती की लिखित परीक्षा करवाई गई थी, रिटर्न कराया गया था। इसका परिणाम कब आया था, 4 जून को घोषित किया गया। ठीक है, और इसके आने के बाद ही जो धांधली मच गई, किस आरोप लगने लगे उन पर JKSSB पर। ठीक है, कहना है कि एक ही परिवार के दो या दो से ज़्यादा 3-4 एक ही परिवार के आ रहे हैं, JKSSB रिक्रूटमेंट, फैमिली रिक्रूटमेंट हो रही है अभी, तो परीक्षा में भाई बहन भी सफल हो गए हैं। ठीक है, अखनूर में एक लाइब्रेरी में, ठीक है, का नाम भी लिया गया है, जिसने पढ़ने वाले अभ्यर्थी चयन करते हैं कि 130 से 140 अंक वहाँ के लाए उन्होंने। ठीक है,
और जिनने दूसरे परीक्षाओं में कितने नंबर लाए थे, 20 से 30 नंबर लाए थे। मैंने खुद देखा है 140 के आसपास कुछ नंबर है टॉपर्स के, जिसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में टोटल 49 नंबर थे। ठीक है, जांच जो हुई है वो राज्यपाल जो गवर्नर है मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि ये जांच हो। ठीक है, 15 दिन समिति को जांच करते हो गए, अब देखते हैं आगे हमारा क्या, रद्द करने की इस पर सोचे कि अब कैंसिल ही होगा, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो एक लेटेस्ट अपडेट थी, ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और पढ़ते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि नौकरी मिलना एक तो कितना टफ हो गया है और ऊपर से ये स्कैम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सरकार इसकी जांच कर रही है, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।